नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज हम NCERT में दिए गए कथनों को पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम कल कर चुके हैं, आज इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला क्वेश्चन है, विभाजन से उपजी त्रासदी के बाद किसने अपने कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इंसान के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश बताया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर खुशदेव सिंह ने। नेक्स्ट कथन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वह पूरी तरह गैर इस्लामिक है और मुझे इसको पाप पूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। भले ही वो मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दे, परंतु मुझे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ बी, सॉरी बी, महात्मा गांधी। ये कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट कथन आपके सामने है, किसने कहा न किसने सिख सभा को संबोधित करने के बाद दौरान अपने भाषण में कहा कि हमारे लिए इससे ज़्यादा श्रम की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को किसने बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने की जैसा महसूस किया। इम्पोर्टेंट कथन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, शाहिद अहमद दहलवी, सादत हसन, मौलाना आज़ाद, अब्दुल रदीफ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाहिद अहमद दहलवी। नेक्स्ट कथन दिया गया है, निम्न में से किसने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है, वो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। सिकंदर हयात खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या रहमत अली। तो ये कथन सिकंदर हयात खां के हैं। नेक्स्ट कथन दिया गया है, 1937 में कांग्रेस के किस सदस्य ने यह सवाल उठाया कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। इंपॉर्टेंट कथन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, रहमत अली, मौलाना आजाद, नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर मौलाना आजाद। नेक्स्ट कथन दिया गया है, किसकी यह जीत थी कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए? अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या रहमत अली चौधरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल, सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना। यह मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट कथन दिया गया है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उसकी निंदा की थी? तो यह कथन है ऑप्शन सी, नाथुराम गोडसे का। नेक्स्ट है, किसने कहा कि महात्मा गांधी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे? उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे लेकिन वहां वे किस मुंह से जा सकते थे जबकि दिल्ली में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे? तो यह कथन है डीजी तेंदुलकर जी का, जिन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बढ़ चुका है लेकिन हृदय में
हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे, शेष विश्व के लिए हम एक ही रहेंगे। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नेहरू जी या फिर गांधी जी का? तो ये कथन गांधी जी का है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सितंबर अक्टूबर 1947 के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, महादेव देसाई, डेविड हार्डीमैन, डीजी तेंदुलकर या टॉलबॉट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीजी तेंदुलकर। नेक्स्ट है, किसने कहा कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी लेकिन उसका विभाजन भी होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड वेवल, माउंटबेटन, स्टेफर्ड क्रिप्स या क्लीमेंट एटली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दे? तो यह कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके सामने, पामर्स्टन, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल या बाविन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, किसने ऊंची जाति के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी, सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा, स्वराज के लिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा, ये स्वराज की सीढ़ियां हैं? तो कथन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर, जिया नेहरू या महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो ये कथन गांधी जी का है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कथन दिया गया है, किस महिला समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुष तक सीमित न रखे? चार ऑप्शन है, कंदाबली गांगुली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली या सरोजिनी नायडू। राइट आंसर है, ये जो कथन दिया गया वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय का। जब नमक आंदोलन कानून है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कानून चल रहा था तो उन्होंने गांधी जी से विनती थी कि वो महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल करें, उनके कहने पर गांधी जी महिलाओं को शामिल करते भी हैं। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन के दौरान किसने कहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सरदार पटेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी सॉरी, महात्मा गांधी जी का कथन है कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है जब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे। नेक्स्ट है, किसने कहा कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती? चार ऑप्शन आपके सामने है, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जे एल नेहरू या भगत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जब ये कथन तब दिया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नेहरू जी, भगत सिंह, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है, किसने कहा कि किसी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता? ये कथन किसका है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जितने भी यहाँ पर कथन मैं करा रहा हूँ सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ये एनसीईआरटी 12 से कथन लिए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नेक्स्ट कथन यहाँ पर दिया गया है, किसने कहा यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको या महात्मा गांधी जी को मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं हो गया, इससे ज़्यादा प्रसन्नता किसी को नहीं मिलेगी? तो ये कथन किसका है? स्पेंसर कॉम्प्टन, नेबिल चैम्बरलिन या सी एन ब्रूमफील्ड थॉम्सन। तो राइट आंसर है ऑप्शन
सी यहाँ पर सी एन ब्रूमफील्ड, सी एम ब्रूमफील्ड उस समय जज थे, उन्होंने उनको सजा दी थी और उन्होंने कहा था कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। नेक्स्ट कथन यहाँ पर दिया गया है, किसने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, प्रत्याग और सब अनुशासन आवश्यक थे। यह सब शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। तो यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुई फिशर का। नेक्स्ट कथन है, किसने कहा कि यदि इस असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। तो कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके सामने रहे, राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट कथन यहां पर दिया गया है, किसने कहा कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम काल भाग संपूर्ण भाग स्वयं या अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट जो कथन है हम वो तीसरे पार्ट में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।